मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में वैकेंसी नोटिस आउट हुआ है। 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट लेवल सबके लिए पक्की सरकारी नौकरी। दोस्तों बेसिकली दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय ने एलडीसी यूडीसी की वैकेंसी निकाली है। पक्की सरकारी नौकरी है, कॉन्ट्रैक्चुअल पंगा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। उसी के साथ साथ लाइब्रेरी अटेंडेंट और लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन अटेंडेंट की पोस्ट आउट हुई है। आज की वीडियो से बात करेंगे, सभी फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन आई गई है, जल्दी से जल्दी जाके अप्लाई कर देना। तो वीडियो को पूरा जोर देना, सबसे साथ जरूर कर देना। चलिए शुरू करते अपनी वीडियो को, अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। तो बेसिकली दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में वैकेंसी नोटिस आउट हुआ है। इसमें बेसिकली एलडीसी और यूडीसी की पोस्ट आउट हुई है, जिसमें एलडीसी की पोस्ट के लिए 12th पास मांगा गया है। 12th पास के साथ साथ 35 पर मिनट आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए, 18 साल से 27 साल तक आपकी एज होनी चाहिए और लेवल 2 कहेंगे सैलरी मिलेगी, जो लगते ही 35,000 से 40,000 आपकी सैलरी बनेगी। एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल आपको सारे एज रिलैक्सेशन इसमें मिलते हैं, जैसे कि एससी एसटी कैंडिडेट वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और ओबीसी कैंडिडेट वालों को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। इसी के साथ साथ अगली पोस्ट है यूडीसी, यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क की। इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है, 35 पर मिनट आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए, 18 से 27 साल एज होनी चाहिए, लेवल 4 के सैलरी मिलेगी, जो लगते ही 45,000 से 50,000 आपकी सैलरी बनेगी। बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा आपको, जनरल और ओबीसी वालों को 1,200 रुपए देने होंगे, एससी एसटी वुमेन कैंडिडेट के लिए 1,000 रुपए देने होंगे, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए फीस एग्जेम्प्टेड है। जी हाँ दोस्तों, फीस थोड़ी सी ज्यादा निर्धारित की गई है, एज पर मेरे ओपिनियन में भी थोड़ी फीस कम होनी चाहिए थी, थोड़ी नहीं बल्कि ज्यादा फीस कम होनी चाहिए थी, तभी इसको अप्लाई करने में कैंडिडेट उत्सुक होते और इनिशिएट भी लेते। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आप अप्लाई कर सकते हो तो जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर देना। लास्ट डेट की बात करें तो 25 जून 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है और इसका जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो जुलाई में ही कंडक्ट हो जाएगा, यानी कि अगले महीने इसका एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएगा। अगर आपको जल्दी जल्दी जॉब चाहिए और वो भी पक्की सरकारी नौकरी, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो वीडियो कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।